मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुंभर मशीन का जो लैप लीकिंग का प्रॉब्लम रहता है, जो लैप फट फट के चलता है, वर्किंग ख़राब होता है, उसके बारे में बताएंगे। और वो होने से लैप अगर फट के चलता है, वर्किंग पूरा ख़राब रहता है, बार बार में आधा आधा टुकड़ा चिपक जाता है दूसरा लैप के साथ, मतलब कहीं मोटा माल जाएगा, कहीं पतला माल जाएगा, कुल मिला के क्वालिटी का बिल्कुल बिगड़ जाता है मामला। तो उसके लिए क्या करना, देखो सबसे पहले तो देखो लैप लीकिंग क्या चीज़ होती है। जैसे अपना कुंभर में ऐसे 8 लैप लगाते ना, वो क्या होता है, जैसे लेयर बाय लेयर खुल के आगे जाना चाहिए, कभी कभी लेयर का आधा टुकड़ा आधा ऊपर वाला हिस्सा में चिपक जाएगा, इसको बोलते हैं लैप लीकिंग। मतलब ये कुंभर का लैप आया ऐसे और आधा हिस्सा ऊपर चिपक गया, इसकी जगह पे चिपक गया, पूरा आया नहीं। फिर जब वो माल आएगा उतना मोटा माल आ जाएगा, वो चिपका हुआ और पहले का जो लेयर हो आ जाएगा, तो उसका बड़ा दिक्कत जाता है वर्किंग में, फट फट के चलता है। जैसे अपना कुंभर का वर्कलोड, जैसे 5-6 कुंभर एक कारीगर चलाता है, वो चला नहीं पाता, क्वालिटी भी ख़राब होता है, बहुत दिक्कत जाता है। लैप लीकिंग जो प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है कुंभर का, और ये बार बार मशीन बंद भी होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ फट गया तो कारीगर जाके इसको अटेंड करेगा, वो जो चिपक गया ऊपर तो इसको हटाएगा, फिर इसको चालू करेगा, ऐसा रहता है। तो अनइवन स्लाइवर ऑफ कुंभर प्रोड्यूस्ड, इसमें जो स्लाइवर का जो मटेरियल निकलेगा, जो जैसे 8 हेड से मटेरियल गया, उसमें मोटा पतला हो के माल जाके अल्टीमेटली जो स्लाइवर क्वालिटी निकलेगा उसमें बहुत ज़्यादा मोटा पतला रहेगा, ओस्टर वैल्यू भी बढ़ा हुआ रहेगा, ओस्टर वैल्यू उसका 1% जो बोलते हैं बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, और कुल मिला के ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एयन क्वालिटी के ऊपर, लास्ट में अल्टीमेटली एयन क्वालिटी ख़राब करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है। और नेप्स लेवल टू हाई, नेप्स लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, समझो जहाँ पे मटेरियल चिपक के लेयर के साथ आ गया, उधर मोटा माला बराबर कॉम्बिंग नहीं हो पाया, तो नेप्स छूट गया, उसमें स्लाइवर के अंदर नेप्स चला जाएगा, नेप्स लेवल भी गड़बड़ा जाएगा। और कुंभर रैपिंग वेरिएशन टू मच, ये ऑब्वियसली होगा, मोटा पतला माल जाएगा रैपिंग, कभी जैसे आपने स्टैंडर्ड समझ लो 0.100 रखे हो कुंभर का रैपिंग, और कोई 0.095 पे आ जाए, कहीं 0.110 आ जाएगा, ऐसे बीच बीच में मोटा पतला बहुत आएगा, रैपिंग वेरिएशन बहुत फर्क पड़ेगा। इट मस्ट सेट राइट इमिडिएटली, ये बिल्कुल तुरंत ही जैसे नज़र आता है तुरंत इसका होना चाहिए। और एक कारण और भी है, जैसे RH है ना, RH अगर फर्क रहेगा, RH अगर परसेंटेज हाई होगा तब भी मटेरियल चिपकेगा, तो RH परसेंटेज हाई होता है तो इसको भी वो चिपकने में मदद करता है, तो RH भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कुंभर का स्टैंडर्ड RH जो है 50 से 55 तक, मैक्सिमम आपकी 60 तक भी ले सकते हो, उसके ऊपर जाएगा तो लीकिंग होगा, तो कुंभर का RH से भी लीकिंग का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपको बताओ इसका सोल्यूशन क्या चीज़ है, इसको कैसे नहीं होगा, इसको कैसे देखना है। सबसे पहले देखो लैप लेंथ आज पर स्टैंडर्ड, लैप लेंथ जैसे अपना कोई भी मशीन मंगाते ना, जैसे पहले जमाने में था स्लाइवर लैप, रिबन लैप, फिर बाद में यूनी लैप आया, ओमेगा लैप आया। यूनी लैप ओमेगा लैप क्या मतलब, दोनों काम एक ही साथ होता है, स्लाइवर लैप रिबन लैप जो दो स्टेप होता था ये एक ही स्टेप होता जाता है, ब्रेकर का माल लगाते हैं फिर वही वाला माल फाइनल माल हो जाता है जो कुंभर में जाता है। और पहले ज़माने में क्या था, 48 ग्राम 50 ग्राम ऐसे ही लैप वेट रहता था, ग्राम पर मीटर रहता था। और जब से ओमेगा लैप यूनी लैप आया, अपन 75 से 80 ग्राम तक भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर 80 ग्राम तक ले सकते हैं तो उसी हिसाब से बढ़िया मशीन होनी चाहिए, कुंभर बढ़िया होनी चाहिए, यूनी लैप बढ़िया होनी चाहिए, तो 80 ग्राम तक भी खींच लेगा, और मटेरियल जो कटन होता है वो भी अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो लैप लेंथ जो होता है ना, वो लैप लेंथ भी मतलब जैसे पहले वाला जो अपना लैप आता था 180 मीटर 200 मीटर तक रहता था, और अभी जो ओमेगा लैप यूनी लैप आया 340 मीटर तक भी जाता है, तो उसका क्या, लैप लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा रखने से वो मतलब कंप्रेस होकर एक दूसरे का लेयर पकड़ लेता है, तो इसीलिए लैप लेंथ भी आज पर स्टैंडर्ड, जो मशीन का जितना रिकमेंड करता है
उतने का लैप लेंथ रखना, चेक ग्राम पर मीटर ट्वाइस इन 8 आवर, 8 घंटे में 2 बार तो ग्राम पर मीटर चेक करना एस्क्यूसी के द्वारा, ताकि उसका मेंटेन हो जाए। ऐसा नहीं आपने स्टैंडर्ड फिक्स करा 68 ग्राम का, और आप कभी 60 भी चला रहे हो, कभी 70 चला रहे हो, कभी 80 चला रहे हो, ये 3-4 प्रकार का वेराइटी करोगे तो मोटा पतला लैप ऐसे ही जाएगा, तो लैप लीकिंग का भी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा, लैप लीकिंग रहेगा। तो इसको बार बार चेक करना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से यूली लैप में या ओमेगा लैप में ड्राफ्ट सेट करना पड़ेगा। यूज इविन नंबर ऑफ एंड्स इन यूली लैप, यूली लैप पे आप कोशिश करना हमेशा ऐसे ही एंड लगाना। एंड कैसे लगाना देखो, ये मतलब इविन नंबर, समझ लो आपने 18 एंड लगाया या 20 लगा या 22 लगा या 24 लगा, मतलब दोनों साइड में जैसे इक्वल नंबर ऑफ डिब्बा रहेगा, तो उसका जब आप स्लाइवर खींच के लोगे ड्राफ्टिंग जोन में, बराबर सेटलमेंट में आएगा, एक दूसरे का ऊपर चढ़ के नहीं जाए, क्रॉस हो के स्लाइवर नहीं जाए, वो भी ध्यान रखना। तो इविन नंबर ऑफ स्लाइवर का यूज करना हमेशा ध्यान रखना। कार्डिंग रैपिंग सेट प्रॉपरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिंग का रैपिंग समझ लो आपने 130 रखा, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन वाला कार्ड का माल नहीं रखना, क्योंकि वही मोटा पतला रहेगा, वही दिक्कत करेगा। वो कार्डिंग रैपिंग बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सेट करना पड़ेगा आपको। ऑल ऑटो लेवलर ऑफ कार्ड्स मस्ट रन, ऑटो लेवलर कार्ड जो होता है ऑटो लेवलर सब काम करना चाहिए। अगर कोई ऑटो लेवलर काम नहीं कर रहा है, वो कार्ड तुरंत बंद कीजिए, इसको अटेंड कीजिए। बिना ऑटो लेवलर में कोई कार्ड मत चलाइए, बिना ऑटो लेवलर में चलाओगे रैपिंग बिल्कुल अलग आएगा, अबनॉर्मल आएगा, जिसका अपन को लैप लीकिंग के फॉर्म में आगे दिखाई देगा। कार्डिंग रैपिंग मस्ट प्लस और माइनस 0.05, कार्डिंग रैपिंग जो प्लस और माइनस 0.05 रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेरिएशन रहेगा वो कार्ड का माल फिर दिक्कत जाएगा, लीकिंग में मदद करेगा। सेट ब्रेकर रैपिंग, ब्रेकर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो ब्रेकर रैपिंग जो होता है, जैसे समझ लो अपना ब्रेकर का रैपिंग, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, 0.120 रखा है, तो जैसे 2-3 ड्राइंग आपकी चल रहा है, सबकी 0.120 रखना। ऐसा नहीं कहीं पे 120 रखा, 0.100 रखा, या कोई कार्डिंग में चेंज किया, इसका सेटिंग करना भूल गया, ऐसे कभी नहीं करना, बिल्कुल एक जैसा रैपिंग रखना, ताकि अपना जो लैब का जो लेयर बाय लेयर जो मतलब एनी लैब में बढ़ेगा वो बराबर रहेगा, नहीं तो कोई मोटा पतला रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, वही लीकिंग कराएगा। क्लीन कैरियर रोलर्स ऑफ यूनिलैप ड्राफ्टिंग जोन, ये सब कैरियर रोल जो अपना रोल के अंदर दे के स्लाइवर पास करता है, वो ड्राफ्टिंग जोन जो आगे पीछे रहता है, इसको बढ़िया से साफ करना, वो स्लाइवर का पाथ बिल्कुल पैरेलल में रखना। ऐसे नहीं कोई आड़ा टेढ़ा जाए, कोई क्रॉस होकर जाए, वो तो बिल्कुल नहीं, टाइम टू टाइम चेक करना और सफाई भी करना, ड्राफ्टिंग जोन एनी टाइम सफाई रखना। क्रॉस क्रिलिंग टू अवॉइड, क्रॉस क्रिलिंग तो बिल्कुल नहीं रखना है। क्लीन डिस्क विथ पेट्रोल, पेट्रोल में डिस्क जो रहता है अपना जो स्पूल लगा रहता है दोनों साइड में स्टेनलेस स्टील का रहता है, वो क्या कभी ख़राब हो जाता है, इसको पूरा पेट्रोल में साफ करिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। गंदा रहेगा स्पूल बराबर पकड़ेगा नहीं, फिर हिलता रहेगा तो लैप लीकिंग होता है। ये सफाई का करने के साथ है, एक बेल्ट रहता है, वो हर लेयर का लैप जो स्पूल में उंड होता है, हर लेयर का वो दबाता रहता है, प्रेस करता रहता है, वो जो बेल्ट है इसको भी बढ़िया से सफाई करिए, उसमें कोई रुई वगैरह कचरा वगैरह चिपक के नहीं रहे, इसको भी पेट्रोल से बढ़िया साफ कीजिए, तब जाकर ये लैप लीकिंग का समस्या आपके दूर होगा। क्लीन द डिस्क और लैप फोल्डिंग बेल्ट, ये दोनों साफ करना बढ़िया से। मेंटेन परफेक्ट कंप्रेस्ड एयर प्रेशर, जो अपना लैब को जो हर लेयर का दबाता है, अगर प्रेशर एयर प्रेशर आपकी कम रहेगा, वो बल्कि रहेगा या ज़्यादा भी रहेगा, वो भी ख़राब रहेगा। अपने ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, बिल्कुल जो एयर प्रेशर चाहिए, जो मशीन का स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से मेंटेन रखिए। वो मेंटेन ग्राम पर मीटर प्लस माइनस 2 ग्राम, ग्राम पर मीटर भी प्लस माइनस 2 ग्राम ऊपर नीचे होगा। जैसे आप 75 ग्राम का लेकर चलो तो 73 ग्राम से 77 ग्राम तक ऐसे रखना है। उसके बाद मेजर दिक्कत जो है आरएच बिल्कुल 50 से 55 तक रखना है, और इससे जैसे कभी कभी आरएच बारिश का मतलब 65-70 हो जाएगा, ऐसे केस में लैप लीकिंग तो होगा ही होगा।
तो इसको RH मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 58-60 तक भी चला जाएगा चलेगा, लेकिन 60 के ऊपर नहीं लेना। 60 के ऊपर लेगा तो लैप लीकिंग रहेगा। वो लैप लीकिंग का बारे में मैं आपको डिटेल में समझा, ये पॉइंट सब नोट कीजिए और इसका जितना जल्दी सोल्यूशन निकालोगे आप लोग उतना वर्किंग बढ़िया रहेगा। अल्टीमेटली आपके IPI कम रहेगा, CSP बढ़ेगा, ओस्टर कम होगा, अल्टीमेटली आपके प्रोडक्शन का जो लेवल है, क्वालिटी का लेवल है, बहुत बढ़िया रहेगा। आज का वीडियो मैं इतना में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।